हेलो एवरीवन, मैं हूं दर्शन भारती और एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो है आपकी मेहनत पर आपका इनाम लेने की, आपका सर्टिफिकेट देने। डियर फ्रेंड्स, आपने फिट इंडिया रन 2.0 के तहत बहुत काम किया, लगभग सभी स्कूल्स ने फिट रन का आयोजन किया, लेकिन आप सब को जब तक आप अपने पोर्टल पर इसको अपलोड नहीं करेंगे, आप इसको सर्टिफिकेट आपको, तो इसलिए अब आपका आज का जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है, आपका जो इम्पॉर्टेंट काम जो रहता है वो है कि आप जितना भी आपने प्रोग्राम किए हैं, फिट इंडिया रन का आयोजन किया है, उन पिक्स को पोर्टल पर अपलोड करना और अपलोड करके अपने स्कूल का एक सर्टिफिकेट लेना कि हमने ये इवेंट करवाया है। अदरवाइज इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो वो इवेंट जो है पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि आपने ये करवाया। इसीलिए मैं आपको कम समय में ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार अपने इवेंट जो आपने स्कूल में करवाया है उसको कैसे अपलोड करें और इस इवेंट का सर्टिफिकेट कैसे। तो आइए समझते हैं इसको कैसे करना। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि फिट इंडिया फ्रीडम रन के इस पोर्टल पे आप लोग चले जाएंगे फिट इंडिया के, जैसे फिट इंडिया टाइप करेंगे तो सामने फिट इंडिया बी फिट आ जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है कि इवेंट तो यहाँ है, यहाँ इंडिविजुअल भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब अगर आप अकेले भागना चाहते हैं, अकेले आप कितना रन किया आपने वो सारा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप स्कूल्स हैं, स्कूल्स में काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं बात करूँगा यहाँ कि स्कूल जिसने यहाँ प्रोग्राम किया है वो कैसे अपने फ़ोटो अपलोड करके कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ लॉग इन पर जाएंगे। आप सब ने अपना यहाँ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करके रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जाकर के लॉगिन करेंगे। अगर जिसने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो मेरे इसी चैनल में अलग वीडियोस मैंने इस पेज पर बनाए हुए हैं, खासकर ये वीडियो कि कैसे स्कूल को रजिस्टर करना है। आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत रजिस्टर करें, उसके बाद ये वाला इवेंट जो है अपलोड करें। कैसे करना है, यहाँ लॉगिन पर जाएंगे, लॉगिन पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि लॉगिन करिए, तो लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ किसी एक स्कूल के नाम से यहाँ लॉगिन करने वाला हूँ ताकि आप लोग समझा पाऊँ। तो लॉगिन में जो ईमेल आईडी आपने पहले डाली हुई है वहाँ पर अपने वो वाली ईमेल डालेंगे स्कूल के नाम की, और यहाँ आप क्या करेंगे कि अब जो आपका पासवर्ड आपको यहाँ मिला हुआ है, अगर आपको पासवर्ड भूल गया है, ईमेल याद है तो ये नीचे आप देख रहे हैं यहाँ सामने लिखा हुआ है कि लॉस्ट योर पासवर्ड, अगर भूल गए हैं तो क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली जो ईमेल है इस ईमेल पर आपको लिंक चला जाएगा जहाँ आप दोबारा से अपना पासवर्ड नया जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको याद है पासवर्ड तो यहाँ क्या करेंगे, आप पासवर्ड लिख, मैं यहाँ लिखता हूँ जो स्कूल का पासवर्ड है, नहीं स्कूल का पासवर्ड क्या है ये पिक्चर में लिखता हूँ, ध्यान से वही तो गलती हो जाती है। तो ये देखिए मैंने इस स्कूल का, ये एक स्कूल है पीएस हिलना कलाई, मैंने यहाँ जो है इसको मैंने पोर्टल पर मैं लॉगिन कर लिया है। यहाँ आप देखते हैं साइड पे यहाँ ऑर्गेनाइज एन इवेंट, कि आप इवेंट को ऑर्गेनाइज करिए। सपोज ये सामने लिखा है फिट इंडिया फ्रीडम रन इवेंट है मेन, आपने ये ऑर्गेनाइज करना है, तो ये मैं यहाँ क्या करता हूँ ऑर्गेनाइज सीधा जाता है क्रिएट एन इवेंट। तो ये फिट इंडिया रन है, ये स्कूल का नाम मैंने यहाँ भर देना है, स्कूल की ईमेल भर देनी है, मोबाइल नंबर भर देना है। उसके बाद ये चेन कौन सी है कि हमारा स्कूल कौन सा है, ये स्टेट एजुकेशन बोर्ड है बन गया है। चूज अपलोड इमेज अपलोड करनी है कि आपने जो इवेंट करवाया, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं अपने सिस्टम से यहाँ से मैंने सेव करके पहले से रखा हुआ है पिक्चर ताकि आपका समय ज़्यादा ना ले पाऊँ। मैं ये है कि मैंने स्कूल का पिक्चर क्या, ध्यान रखिए इसका साइज़ रहता है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि या इसमें कि आप 2 MB से जो है इसको कम ही रखिए। फोटो कर दिया है, अगर वीडियो आपने अपलोड किया है तो इसका लिंक अगर YouTube पे डाला है तो बहुत सारे लोगों ने YouTube पे भी अपने स्कूल के इवेंट डाले हों, तो वो वाला लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपने कब करवाया ये यहाँ साइट में कैलेंडर पे क्लिक करिए, ये फर्स्ट को करवाया था यहाँ ये इवेंट, फर्स्ट को ही यहाँ एक ही दिन का इवेंट। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो इस स्कूल के टोटल इस इवेंट में जो है 12 लोग थे पार्टिसिपेट किए थे, 12 लोग थे, 1 किलोमीटर का रन 1 किलोमीटर का रन हो गया, 12 पार्टिसिपेट हुए हैं किलोमीटर का, तो कर दिया पूरा कुछ प्रॉब्लम, कंग्रेचुलेशन द इवेंट हैज़ बीन
इन सक्सेसफुल इवेंट क्रिएट हो गया है। इवेंट क्रिएट हो गया तो अब हमारी बारी है सर्टिफिकेट लेने की। यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सर्टिफिकेट। अगर यहाँ कोई पार्टिसिपेंट ऐड करना है, इवेंट में एडिट करना है, नंबर ज़्यादा कम करने हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं, इसके लिए यहाँ कैप्चा भर ऑर्गेनाइजर ही है, फिर है तो यहाँ कैप्चा भर देता हूँ एंड देखिए देखिए अभी कुछ ही मिनटों में मैंने स्कूल का इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। और ये देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कंग्रेचुलेशन कलाई सुरन कोड फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजिंग द फिट इंडिया फ्रीडम रन। ये 33 सेकंड अभी आपके एक दिन का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। आप कल तक 3 तारीख तक जो है इसको आप अपना जो है सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप ये सर्टिफिकेट लीजिए, इसको आप फ्रेम करवा के स्कूल में लगाइए कि इस आज़ादी के अमृत हमने इस तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस प्रोफाइल कैसे एडिट करना है, मेरे बाकी वीडियोस इसमें हैं, आप वो देख सकते हैं। और अपने स्कूल का इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है, वीडियोस भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो पूरी मेहनत जो है वो धरी धरी रह जाएगी। जो है अथॉरिटीज़ को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी। तो स्कूल का आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है, नहीं की है तो कैसे करनी है आप वीडियो देख सकते हैं। अगर की है तो आज ही तुरंत अभी लगी और 5 मिनट में जैसे मैंने कर लिया आप भी इसको अपलोड कर दीजिए। थैंक यू मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको तमाम ताज़ा तरीन फिट इंडिया के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तुरंत जो है आपको नोटिफिकेशन जाए। बहुत बहुत थैंक यू।